भी हम बात करने जा रहे हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर के राजभर जी से, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो आज ये सिकंदरपुर में शेख अहमद भाई जो सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव, उनसे मिलने के लिए आए हैं। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत नासाज भी चल रही थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं इनसे, कुछ क्वेश्चन भी कर लिया जाए। सर, अखिलेश यादव जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस समय अराजकता, मर्डर, रेप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इसके? सही जानकारी उनको नहीं है, अभी आज उन्होंने ट्वीट किया है। बस्ती में जिस दलित का उन्होंने ट्वीट किया है, वो खुद कबूला है और माल भी बरामद हुआ है। जिसका माल चोरी हुआ है, 14,000 रुपया मिला और मंगलसूत्र मिला और उसके पैर का पायल मिला, और उसको वो ट्वीट किए हैं कि दलित के साथ अन्याय हो रहा है। तो उनकी सरकार में जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको छूट थी कहाँ? इस सरकार में अगर गलत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उनको बुरा लग रहा है, और उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, छोटा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। सर, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सुभाषपा को क्या कोई सीट से लड़ रही है कि नहीं? लड़ाएंगे, लड़ने में जो आनंद है ना, लड़ाने में वो आनंद आता है। ये उपचुनाव है, हमारे खाते की कोई सीट नहीं है। जब पिछला लोकसभा चुनाव देखा जाए तो उसमें मतलब गठबंधन की स्थिति मानना है कि अच्छी नहीं थी, ये उस चुनाव में क्या रिजल्ट हो सकता है, इसका प्रभाव पड़ेगा कि कुछ अलग प्रभाव? देखिए, जिन दोनों नेताओं ने जनता के बीच में झूठ बोला, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बातें जनता के दिमाग में जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के खासतौर से थे, उनके दिमाग में बात आई कि भाई ये नेता दोनों सही कह रहे हैं। लेकिन वही दोनों नेता में एक नेता अमेरिका में जाके बोलता है, कांग्रेस पार्टी का, कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म करेंगे, अमेरिका में बोल रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी बोरा का बोरा वोट मुसलमान ले जाके पहुंचा देता है समाजवादी पार्टी के घर में, जब सरकार बना देता है तब खाली झोरा थमा देते हैं कि लेके फिर घूमो, बोरा में भरो, चुनाव आएगा तो फिर मिलेंगे, जैसे बसिया तरकिया के पिछुआ लिखा रहता है। उसी तरह सत्ता पाने के बाद आप बताइए, कोई थाना बताइए, आप सिकंदरपुर थाने पर चलिए, बलिया का कोई थाना, प्रदेश का कोई थाना, वोट दिया 20% मुसलमान, सिपाही कै को बनाए अखिलेश, लेखपाल, ग्राम सेवक, BDO कै को बनाए? 86 में 56 SDM यादव जी यही काम करते हैं। सर, आज आप सिकंदरपुर में संजय भाई के यहाँ आए हैं, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि सिकंदरपुर को रेलवे से जोड़ा जाए, तो इसके लिए सकारात्मक पहल क्या होगी आपकी तरफ से? हो रही है, काम चालू है। तो कब काम पर बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, हम लोगों की तरफ से प्रयास। देखिए, देश में आवश्यकता ही उत्पत्ति की जमीन है। अभी एक नया शासनादेश जारी हुआ है कि जो मजरे पूर्वे पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं उनको उनसे कनेक्ट किया जाए, उनकी सूची मंगाई जा रही है। इसी तरह जो रेलवे जिन जिलों से अटैच नहीं है, जहां जरूरत है वहां रेलवे की व्यवस्था बनाई जाएगी। क्योंकि सर, सिकंदरपुर अभी तक देखा जाए तो बस स्टैंड की भी समस्या है, अभी तक बस स्टैंड नहीं है। अरे, जमीन दिलवा दो, हम खोलवा दो उद्घाटन। जमीन दिलवा तो भैया, हम उद्घाटन करा दें हमारा। तो सरकार प्रयास करेगी तो जमीन तो मिल ही जाएगा ना? सरकार तो, हम तो सरकार है, हम तो कह रहे हैं कि हम उद्घाटन करने के लिए तैयार है, खाली जमीन दीजिए, उपलब्ध कराइए कहीं। देख रहे थे आप हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, और किस तरीके से इन्होंने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया है। बने रहे भारत मीडिया के साथ, ऐसे ही ताजा तरीन खबरों।